हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीलिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज है हरतालिका तीज, क्योंकि त्योहारों के दिन हम अपने मुख्य द्वार को सजाते हैं, इसलिए मैंने आम के पत्तों से ये बंधनवार बना के अपने मुख्य द्वार को सजाया हुआ है और कुछ इस तरीके से मैंने सजाया हुआ है। और आज है हरतालिका तीज का व्रत, जो कि हमारा पूरा निर्जला रहता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका पारण करते हैं। तो आज शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए ये व्रत किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग ने गहने बनाए हैं, और ये कुछ जैसे झुमकी वगैरह है, जो भी आप गहने पहनते हो, चूड़ी बिछिया है, पायल है, बिंदी है, तो ये सब हम पार्वती जी को चढ़ाते हैं। तो बेसन के, सोने के और मैदे के, चांदी के बनाते हैं। तो वो सब बना के पूरी तैयारी हो गई है और अब मैं खुद तैयार हो रही हूँ। और मैं और मेरी माँ, मतलब मदर इन लॉ, तैयार हो रही हैं। दोनों लोग महावर लगा लिया है हम लोगों ने। और अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए हमने कैसे करी आज की तीज की पूजा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलिमा और आज है हरतालिका तीज का व्रत है हम लोगों का, मतलब मैं हूँ और मेरी सासू माँ हैं। तो हम लोगों का आज व्रत है। तो स्टार्टिंग से वीडियो इसलिए नहीं बनाई, ये देखो मेरी मम्मा तैयार है, हम दोनों रेड रेड में पहने हैं पूरा, और बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। 8 बज रहा है, बस हम लोग पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोचा चलो हाँ व्लॉग बना देते हैं। और सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल ये व्रत जो है ना बिल्कुल निर्जला रहता है, तो मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। अभी थोड़ा रेडी हुई है तो अच्छा लग रहा है कि चलो अब व्लॉग बना लेते हैं। और ये मेहंदी लगाई है मैंने, ये देखिए मेहंदी काफ़ी अच्छी है, और ये सारी मैंने लगाई क्या है ऋषि, ये है ना। और अभी मम्मी की मेहंदी दिखाते हैं हम, मेरी मम्मी की मेहंदी दिखाइए, ये देखो है ना अच्छी सी, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। पीछे दिखाइए, पीछे अरे ऋषि। और ये है मंडप बना दिया है जिसमें शंकर पार्वती और गौरा जी रखी हुई हैं। ये पूरा मंडप बना के पूजा होती है, पूरी तैयारियां हो गई हैं, बस अब पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ है अपने ड्राइंग रूम में ही, क्योंकि यहाँ पे गणपति जी रखेंगे। हाँ बताओ, पैर क्यों दर्द कर रहा है? गणपति जी रखेंगे इसलिए यहीं पर ही हमने बनाया हुआ है कि कल गणपति जी को भी यहीं स्थापित करेंगे। और ये साड़ी में आप लोगों ने मुझे कई बार देखा है बिल्कुल, क्योंकि मेरी शादी की साड़ी है और इसलिए मैंने इसको पहना हुआ है। और ये है मेरे इंगेजमेंट का हार, इसको मैंने पहन लिया। सो ऐसे सिंपल से, मतलब सिंपल से क्या, तैयार तो हो गई हूँ, ये सब पहनना ज़रूरी होता है तो ये सब पहन लिया है। और चलिए फटाफट से आपको पूजा दिखाते हैं कि पूजा हम लोग कैसे करते हैं। और ढोलक भी आ गई है यहाँ पे, तो अभी हम लोग ढोलक बजाने वाले हैं फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए मेरी पूजा को, जो जिन जिन लोगों का, जिन जिन लेडीज़ों का आज व्रत है हरतालिका तीज का, उन लोगों को बहुत 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 हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत कठिन व्रत होता है, तो आई होप, आशा करती हूँ कि सबका व्रत अच्छे से जा रहा होगा और गया होगा। तो चलिए अभी पूजा स्टार्ट करते हैं। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे हमको देखो, हमको देखो, भैया को देखते हैं। हम लोग पंजाबी करेंगे,
तो हिमालय सचिव की जगह अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो दिगंबर हैं, ऐसे ही पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम की भी कम करना एकदम पार्वती जी के पास है। लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तू मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा पूजा जो है अभी आपने देखा हो गई है, और मैंने सब निकाल दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी था, और मेरी माँ तो एकदम बिल्कुल कंफर्ट में आ गई है अपने। और अभी एक टाइम की पूजा, मतलब 9:30 बज रहा है, और 12 बजे की पूजा करके मैं भी चेंज वगैरह कर लूंगी। तो जितना हो सका मैंने आपको अभी पूजा दिखाई है, बहुत अच्छे से हो गई है, और देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हो गई है, और सुबह से बिल्कुल भी पानी चाय कुछ भी नहीं गया मुंह में। और देखिए, सुबह उठते ही फटाक से हम लोग पूजा करेंगे, फिर चाय पानी नाश्ता करेंगे। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा हो गया है, और चलिए अब मिलती हूँ। हाँ, अभी सुबह भी उठना है, सुबह भी पूजा करनी है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में, कैसा क्या रहता है तब तक लिए बाय बाय, मिलती हूँ सुबह, बाय। नीची, तुम भी बाय कर दो, मेरे ऋषि का मूड बहुत खराब है पता नहीं क्यों। चलिए मिलती हूँ सुबह, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों की सुबह की पूजा भी हो गई, हम लोग ने 5 बजे उठ करके पूजा करी और सारा कुछ हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। तो फटाफट पूरी सब्जी बनाई है, चाय बन रही है, और आप ना बहुत ज़्यादा सर बहुत घूम रहा है क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है, और खाना भी कल से खाया नहीं था कुछ भी, तो बस अभी जा रहे खाने। और सुबह का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत, मतलब सर चकरा रहा था बहुत ज़्यादा, तो सोचा फटाफट भले पूजा हो जाती है उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो ये माँ तो रेडी भी हुई थी, और इन्होंने सब चेंज भी कर लिया क्योंकि उलझन होती ना इतना सब हैवी पहनने से, तो हमने अभी ऐसे सिंपल सा भी पहन रखा है, थोड़ी देर के बाद चेंज कर लेंगे। और मे भी मंदिर वगैरह आज जाएंगे क्योंकि मंदिर जाना चाहिए, तो अभी सब लोग सो रहे हैं, मतलब ऋषि के पापा लोग सो रहे हैं, तो उठेंगे तभी हम लोग मंदिर जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। सो फटाफट से मैंने पूरी सब्जी बना ली है, और चलिए अब हम नाश्ता कर लेते हैं फिर से आपसे। देखो मेरी माँ खिला रही है, हम लोग पूरी सब्जी खाओ। चलिए आपसे फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, डालो ऋषि डालो। टेबल उल्टा रखना है।
12 बजे का, तो जल्दी 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 में हम लोगों ने लाए हैं अभी गणपति जी और स्थापित कर दिए हैं। और अभी भी मुझे नहीं लगता मैंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ उनके लिए बाकी है, बहुत कुछ अभी और तैयारी करनी है, क्योंकि मुहूर्त है 12:30 बजे का, इसलिए जल्दी से उनको ले आए और अभी बहुत सारी तैयारी करनी है तो उनके लिए और मैं तैयारी करूँगी। तो गणपति बप्पा जी जिनके भी घर आए हैं, सबका अच्छा हो, सबका बहुत ही अच्छा हो, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको स्वस्थ स्वास्थ्य दे, सुख दे, संपन्नता दे। तो यही कामना करते हुए मैं भी अपने घर में लाई हूँ गणपति जी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गणपति जी ला करके। तो जैसा भी होगा आगे मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको अब हर दिन दिखाऊंगी अपनी। मैं 11 दिन गणपति रखने वाली हूँ, पूरे पूरे 11 दिन, तो कैसे कैसे क्या करूँगी मैं डेली डेली को आपको अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। सो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आप भी आइए, बताइए ऋषि कौन आया है अपने घर? दादी। दादी तो आई है, ये कौन आया है? गणपति है, गणपति आए हैं। गणपति जी ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाँ, तो मेरे घर में गणपति जी आ गए। मैं कितनी बार एक ही चीज़ को बार बार बता रही हूँ, और अब थोड़ा सा आराम करने बैठी हूँ। तो अगर ये मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड डू कमेंट बिलो कुछ भी अच्छा लगा हो। तो मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, और जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने अपनी कल की तीज की पूजा भी आप लोगों के साथ शेयर करी, और गणपति जी को भी उनका जो स्वागत किया वो भी आपके साथ शेयर किया। और ये देखिए बीबी मेरी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छे से इसका कलर आया है, बहुत अच्छे से रच गई है, इसका थोड़ा लाइट कलर है बट लगी अच्छी है। तो बस एक बार और देख लीजिए मेरे गणपति जी, और ये देखिए इनको यहाँ पर मैंने बिठा, ये देख लीजिए मेरे गणपति जी, इनको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है। सो एज मच एज पॉसिबल जितना हो सका मैंने अपनी तीज की और गणपति जी के आगमन की आपके साथ वीडियो शेयर करी है। वीडियो पसंद आ रहा हो आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से देख लीजिए मेरे गणपति जी, और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ आपके ही हैं, तो जिन जिन ने गणपति जी रखे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मैं खुश रहूँ, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।